hello my lovely children how are you all i hope you are hale and hearty and today we are starting a very interesting chapter in your books footprints without feet chapter number 6 the making of a scientist written by robert w peterson the making of a scientist first of all let us discuss about the title making means nirman kisi cheez ki ruchna. and scientist means veganic. the veganic ka nirman आप टाइटल से ही समझ चुके हैं कि इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द इंग्रेडिएंट्स दैट वी नीड इन मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट एक साइंटिस्ट बनने के लिए वैज्ञानिक बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज हैं क्या क्या, क्या, है, क्या, -क्या ट्रेड्स हैं जो एक पर्सन के अंदर होने चाहिए वो सभी ट्रेड्स आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर सो लेट एस स्टार्ट दिस चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट विद मी पूजा शर्मा लेक्चरर इन इंग्लिश गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल परनाला ब्लॉक बहादुरगढ़ एंड डिस्ट्रिक्ट छज्जर स्टूडेंट्स लुक एट योर स्क्रीन दिस इज रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ही वाज एन अमेरिकन राइटर हु हैज रिटन दिस चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट स्टूडेंट्स दिस चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड अ पर्टिकुलर पर्सनालिटी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये बहुत ही फेमस एक साइंटिस्ट हैं इनका नाम है रिचर्ड एच एब्राइट ठीक है तो पूरा का पूरा चैप्टर इन्हीं की कहानी हमें बता रहा है ही इज वन ऑफ द लीडिंग साइंटिस्ट एंड ही हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू बामिस्ट्री एंड मोलिकुलर बायोलॉजी इन्होंने जीव रसायन और परमाणु रसायन शास्त्र शास्त्र के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है योगदान दिया है और हम एज अ बॉय उन्होंने क्या क्या किया किस तरह से वो इतने फेमस साइंटिस्ट बने इस पूरी प्रोसेस को समझने वाले हैं सो so, आप ध्यान रखें रिचर्ड एब्राइट ये हैं जिनके बारे में हम आज पूरी स्टोरी पढ़ रहे हैं रिचर्ड एब्राइट हैज रिसीव्ड द सर्ली स्कॉलर अवार्ड एंड द शेयरिंग प्लो अवार्ड फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड मोलिकुलर बायोलॉजी तो बच्चों रिचर्ड एब्राइट को मिला है सरले स्कॉलर अवार्ड और शेयरिंग प्लो अवार्ड उनके योगदान को देखते हुए बायोकेमिस्ट्री के क्षेत्र में जीव रसायन के क्षेत्र में एंड मोलिकुलर बायोलॉजी के क्षेत्र में परमाणु जीव विज्ञान के क्षेत्र में इट वॉज़ हिज फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज दैट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम बच्चों उनको शुरू से ना फैसिनेशन थी एट्रैक्शन थी आकर्षण था किन से बटरफ्लाई से तितलियों से जिन तितलियों ने उनके लिए साइंस के द्वार को खोल दिया इन्होंने बहुत सारी रिसर्च की है बटरफ्लाईज के ऊपर जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर एट द एज ऑफ ट्वेंटी टू अ फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विद न्यू थियरी ऑफ हाउ सेल्स वर्क रिचर्ड एच एब्राइट एंड हिस्स कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन द थियोरी ऑफ इन एन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस बच्चों 22 the साल के थे और वो थे फॉर्मर यानी कि पूर्व स्काउट ऑफ द ईयर स्काउट्स के अंदर वो भाग लेते थे उन्होंने पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड को वैज्ञानिक विश्व को एक्साइटेड कर दिया उत्तेजित कर दिया क्योंकि वो ले आए एक नई थ्योरी, और वो थ्योरी का क्या नाम था हाउ सेल्स वर्क सेल्स क्या होते हैं बच्चों वेरी माइन्यूट यूनिट ऑफ लिविंग मैटर कोशिकाएं जिनको तुम हिंदी में बोलते हो तो कोशिकाएं किस तरह से काम करती हैं उनका नाम था रिचर्ड एच एब्राइट और उनके कॉलेज रूममेट यानी कि दोनों ने मिलकर इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया था एक आर्टिकल एक लेख छापा था उन्होंने किसके अंदर प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस के अंदर इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स बच्चों ये जो प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस है ये बहुत ही विख्यात एक जर्नल है जो आमतौर पर कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लेख को नहीं छापती पहली बार इसे छापा था यानी कि वास्तव में थ्योरी में कुछ ना कुछ था इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट बच्चों यहां पर जो राइटर है उसने बेस का एग्जाम्पल लिया है वो अमेरिकन है तो अमेरिका में बेस बहुत खेला जाता है तो रिचर्ड एप्राइट और उसके दोस्त के लिए ऐसा था जैसे पंद्रह साल की उम्र में आप एक बड़ा मैच रहे हैं बेसबॉल का और एक होम रन बना लेते हैं पहली बार अपने बैट से और जीत जाते हैं फॉर रिचर्ड एब्राइड इट वॉज अ फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड अदर फील्ड्स और हमारे साइंटिस्ट रिचर्ड एब्राइट के लिए तो ये पहला ही स्ट्रिंग थी पहली ही कड़ी थी पहली ही पंक्ति थी अचीवमेंट्स की उपलब्धियों की क्योंकि वो अभी और फेमस होने वाले थे इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड अदर फील्ड्स एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज और उनकी यात्रा किसके साथ शुरू हुई बच्चों बटरफ्लाइज यानी कि तितलियों के साथ ये देखिए बच्चों सो द सक्सेस स्टोरी ऑफ रिचर्ड एच एब्राइट वो स्टार्टेड विथ बटरफ्लाइज एन ओनली चाइल्ड ए ब्राइट ग्रो अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेनासिल्वेनिया बच्चों ए ब्राइट का पालन पोषण नॉर्थ ऑफ रीडिंग रीडिंग एक जगह का नाम है पेनासिल्वेनिया के अंदर वहाँ पर हुआ था एन ओनली चाइल्ड वो अपने पेरेंट्स के इकलौते ही बच्चे थे देर वॉज एन मच आई कुड डू देयर ही सेड आई सर्टेनली कूडन प्ले फुटबॉल और बेस बॉल टीम ऑफ वन अब वो कहते हैं कि वहाँ पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था कैसे एक अकेला एक टीम बनाकर फुटबॉल या बेसबॉल खेल सकता है बट देर वॉज वन थिंग आई कुड डू कलेक्ट थिंग्स लेकिन एक चीज़ थी जो मैं कर सकता था वो था कलेक्ट थिंग उन्हें बच्चों चीज़ें एकत्रित करने का बहुत शौक था सो ही डि एंड डिड ही एवर तो उन्होंने वही किया और हमेशा के लिए ही वही किया चीजें एकत्रित की कलेक्ट की थिंग्स बिगनिंग इन द किंडरगार्टन, गार्डन कलेक्टेड बटरफ्लाईज विद determination दैट मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज बच्चों जब वो किंडरगार्टन में पढ़ते थे यानी कि बहुत ही छोटे बच्चे थे तब से वो बटरफ्लाईज तितलियों को इकट्ठा करते थे determination के साथ दृढ़ निश्चय के साथ जिन्होंने मार्क किया प्रमाणित किया कि उनकी एक्टिविटीज अद्भुत होने वाली हैं ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स उन्होंने बच्चों और भी चीज़ें कलेक्ट की जैसे कि रॉक्स चट्टाने फॉसिल्स मीन्स प्री हिस्टोरिक रिमेन्स जिसको हम हिंदी में कहेंगे अवशेष या जीवाश्म एंड कॉइंस सिक्के ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनोमर बच्चों वो बहुत ही ज्यादा ईगर उत्सुक क्यूरियोसिटी से भरे हुए एस्ट्रोनोमर बन गए एस्ट्रोनोमर वन हु स्टडीज एस्ट्रोनॉमी या तुम कह सकते हो खगोल शास्त्री समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट और बच्चों रातों को उनको स्टार्स को गेज करने का देखने का बहुत ही ज्यादा शौक था तो देखिए बच्चों ही वॉज ग्रू अप ही ग्रू अप इन नोर्थ ऑफ रीडिंग पेनिसलवेनिया रॉक्स वो इकट्ठे करते थे फॉसिल्स एंड कॉइन्स और स्टार गेजिंग रात को सितारों को देखने का भी उनको बहुत शौक था लेट एस मूव फॉर्वर्ड फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद्राइट माइंड बच्चों उनके अंदर एक बहुत ज्यादा तीव्र क्यूरियोसिटी थी उत्सुकता थी जानने की इच्छा थी या जिज्ञासा थी अलोंग विद अ ब्राइट माइंड और वो बहुत ही प्रतिभाशाली थे उनका माइंड बहुत ब्राइट था बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे ही ऑल्सो हैड अ मदर हु एनकरेज हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग बच्चों उनकी माँ उन्हें हमेशा एनकरेज करती थी प्रोत्साहित करती थी ताकि उनका इंटरेस्ट बना रहे लर्निंग में सीखने की प्रक्रिया में शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स वो उन्हें घुमाने ले जाती वोट हिम टेलीस्कोप्स उन्होंने उसे दिलवाया टेलीस्कोप यानी डिवाइस टू व्यू फार अवे ऑब्जेक्ट्स जिसको हम कहेंगे दूरबीन या दूरदर्शी यंत्र माइक्रोस्कोप दिलवाए मीन्स डिवाइस टू सी वेरी माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स मींस सूक्ष्मदर्शी यंत्र जो आपने अपने साइंस लैब में भी देखा होगा कैमरा दिलवाए माउंटेन मटीरियल्स पर्वत पर चढ़ने के लिए जो भी मटीरियल यूज़ होता है इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होता है वो भी दिलवाए एंड अदर इक्विपमेंट एंड हेल्प हिम इन मैनी अदर वेज़ और बहुत सारे बच्चों डिवाइसेज उन्होंने दिलवाए ताकि रिचर्ड एच एब्राइट की जिज्ञासा बनी रहे और लर्निंग में उनका इंटरेस्ट उनकी रुचि बनी रहे आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल हिज मदर सेट उनकी माँ ने कहा कि मैं उसकी अकेली कंपेनियन थी फ्रेंड थी साथी थी जब तक उन्होंने स्कूल शुरू किया आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम और उसके बाद वो घर पर उनके दोस्तों को ले आती थी बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर लेकिन रात को केवल हम दोनों ही होते थे मी यानी कि रिचर्ड एब्राइट की मदर और वो खुद रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइट पैन रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड रिची ही उनकी पूरी जिंदगी था बच्चों रिची उनका घर का नाम था रिचर्ड का शॉर्ट नेम तुम कह सकते हो कहते हैं कि उनके पिताजी रिचर्ड के पिताजी गुजर गए थे जब वो थर्ड क्लास के अंदर थे थर्ड ग्रेड के अंदर थे तब से रिची ही उनकी पूरी जिंदगी बन गया था तो देखिए बच्चों टेलीस्कोप दिलवाया था उनके मदर ने उन्हें माइक्रोस्कोप कैमरा And mounting material and she was the mother of this very famous scientist richard ebright she and her son spent almost every evening at the dining room table if he didn't have things to do i found work for him not physical work but learning things she and her son spent ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग डाइनिंग रूम के अंदर डाइनिंग टेबल कौन सा होता है बच्चों जिस पर बैठ के हम डाइन यानी कि डिनर करते हैं खाना खाते हैं ठीक है ठीके? वहाँ पर उनकी शाम गुजरती थी इफ़ यू डू आई फाउंड वर्क फॉर हिम अगर रिचर्ड के पास ख़ुद कोई काम नहीं होता करने के लिए तो वो उन्हें कुछ वर्क खोज कर देती नॉट फिजिकल वर्क वो काम शारीरिक काम नहीं होता बट लर्निंग थिंग्स मेंटल काम होता मानसिक चीज़ों को याद करना हिज मदर सेड ही लाइक डिट ही वॉन्टेड टू लर्न और वैसे भी रिचर्ड को पसंद था लर्न करना पढ़ना कुछ समझना इसलिए वो हमेशा सीखते ही रहे एंड लर्न ही डिड उन्होंने हमेशा लर्न किया हमेशा सीखा ही अर्नड टॉप ग्रेड्स इन स्कूल स्कूल में भी बच्चों उनके ग्रेड्स बहुत ही अच्छे आते थे टॉप स्टूडेंट्स में से एक थे वो ऑन एवरीडे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड हिज मदर सेड और आम तौर पर हर दिन वो एक आम लड़के की तरह ही थे कोई स्पेशल दिखाई नहीं देते थे बट स्टिल ही वॉज स्पेशल बाय द टाइम ही वॉज इन द सेकेंड ग्रेड एब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल ट्वेंटी फाइव स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज एंड फाउंड अराउंड हिज होम टाउन सी फॉलोइंग बॉक्स बच्चों जब वो सेकेंड ग्रेड में थे यानी कि दूसरी क्लास में थे एब्राइट ने कलेक्ट कर ली थी 25 अलग अलग तरह की स्पीशीज प्रजातियाँ बटरफ्लाइज की तितलियों की जो कि नाम आप अब इस टेबल में पढ़ सकते हैं स्पीशीज एंड सब स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाईज कलेक्टेड सिक्स वीक्स इन ब्रीडिंग पेनसिल्वेनिया ग्वासमा विस्ड बटरफ्लाईज वाइट एम हेयर स्ट्रिक अकेडियन हेयर स्ट्रिक ब्रोन्स कोपर बॉक कोपर पर्पलिश कोपर ईस्टर्न टेल्ड ब्लू मेलिसा ब्लू सिल्वरी ब्लू स्नाउट बटरफ्लाई सेकेंड बॉक्स में देखिए बच्चों वुड नेम्स एंड साइट ब्राउन वुड नीम्स ग्रेलिंग मोनाच मोनाच एंड मिल्क व्हाइट एंड सल्फर्स ओलंपिया, क्लाउडलेस सल्फर यूरोपियन कैबेज एंड थर्ड बॉक्स में देखिए ब्रश फुटेड बटरफ्लाईज वेरिगेटेड फर्टिलरी हेरिस चेकर स्पॉट पर्ल क्रेसेंट मॉर्निंग क्लॉक पेंटेड लेडी बक आय वाइसराय, राय व्हाइट एडमिरल रेड स्पॉटेड पर्पल हैकबेरी तो बच्चों ये कम से कम स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाईज उन्होंने कलेक्ट कर ली थी जब वो सेकेंड ग्रेड में थे केवल दूसरी क्लास के अंदर थे इन रीडिंग पेनिसवेनिया जहां पर पा उनका पालन पोषण हुआ था डेट प्रोबेबली वुड हैव इन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग सेट बट देन माई मदर गॉड मी चिल्ड्रुक कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनाक एक्स that book which told how monarch butterflies migrate to central america opened the world of science to the eager young collector bachon wo kehte hain probably matlab perhaps shayad ye unke butterfly collection ka end ho jata samapt ho jata wo lekin unki ma ne unhe ek children book ek bachon ki kitab la kar di jiska naam tha ये किताब का नाम बहुत important hai bachon kyuki is book ने उनकी ज़िंदगी बदल दी and the name of the book is the travels of monarch x monarch x के travel घूमना मोनाक एक तरह की बटरफ्लाई है जो मैं आगे, आगे आपको दिखाऊंगी कैसी होती है इस बुक ने उनकी ज़िंदगी बदल दी इस बुक ने बताया कि मोनाक बटरफ्लाइज माइग्रेट करती हैं माइग्रेट मीन्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यानी कि स्थानांतरण करती हैं सेंट्रल अमेरिका में और इस किताब ने खोल दिए उस विश्व के द्वार जहाँ पर साइंस थी उस ईगर यंग कलेक्टर के लिए उस जिज्ञासु यंग कलेक्टर के लिए ऐट द एंड ऑफ द बुक रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन बुक के अंत में बच्चों जो राइटर थे उन्होंने अपने रीडर्स को भी कहा था कि आप भी बटरफ्लाई के माइग्रेशन के लिए हेल्प करें दे वर आज टू टैग बटरफ्लाईज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फेडरिक ए अर्क हार्ट बच्चों डॉक्टर फेडरिक ए अर्क थे उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि बटरफ्लाइज को टैग किया जाए उन पे कोई टैग लगाया जाए मैं बताऊंगी भी टैग कैसे लगाते हैं आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ़ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो वो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के थे कनाडा के अंदर एब्राइट्स मदर रोड टू डॉक्टर अर्क हार्ट एंड सोन एब्राइट वॉज अटैचिंग लाइट एडहेसिव टैग्स टू द विंग्स ऑफ मोर्क्स बच्चों तो रिचर्ड एब्राइट की मदर ने डॉक्टर अर्क हार्ट को लेटर लिख दिया और एब्राइट ने शुरू कर दिया वही काम उसने लाइट लिया, मतलब स्टिकी सा सब्सटेंस लिया चिपका दिया टैग मोनाक के विंग्स के ऊपर पंखों के ऊपर एनी वन फाउंड बटरफ्लाई टू सेंड द टैग टू डॉक्टर अर्क हार्ड कोई भी व्यक्ति जिसे भी वो टैग्ड बटरफ्लाई मिले जिसके ऊपर टैग को चिपकाया गया है उसे रिक्वेस्ट की ये होती कि वो उस टैग को डॉक्टर अर्क हार्ड को भेज दें अब देखिये बच्चों दिस इज मोनाक बटरफ्लाई हाउ ब्यूटिफुल इट इज है ना दिस इज डॉक्टर ए और देखिए बच्चों टैग बटरफ्लाई आप देख सकते हैं छोटा सा टैग चिपकाया हुआ है मोनाक बटरफ्लाई के ऊपर आगे चलते हैं द बटरफ्लाई कलेक्शन सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट सिक्स वीक्स इन लेट समर सी ग्राफ बिलो इफ यू आर गोइंग टू चेज वन बाई वन यू वॉन्ट कैच वेरी मैनी बच्चों बटरफ्लाई कलेक्शन का जो सीज़न था मौसम था रीडिंग पेनिसल्वेनिया के अंदर केवल छः हफ्ते रहता था समर जब लास्ट में होती थी तब और वहाँ पर उनको चेज करना उनका पीछा करना वन बाय वन यू वॉन्ट कैच वेरी मैनी तुम बहुत ज़्यादा को नहीं पकड़ सकते कैच नहीं कर सकते सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाईज़ तो क्योंकि अब वो पकड़ तो सकते नहीं थे रिचर्ड एब्राइट तो उन्होंने रेज करना पालना शुरू कर दिया फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज़ को ग्रुप ऑफ बटरफ्लाइज़ को ही वुड कैच अ फीमेल मोनाक टेक हर एग्स एंड रेज दैम इन हिज बेसमेंट बच्चों ने उन्होंने क्या किया एक फ़ीमेल मोनाक को पकड़ लिया उसके एग्स लिए और उनको रेस किया उनको पाला पालन पोषण किया अपने घर के बेसमेंट में बेसमेंट होता है नीचे का तहखाना, वहाँ पर थ्रू देयर लाइफ साइकिल फ्रॉम एग टू कैटरपिलर टू प्यूपा टू एडल्ट बटरफ्लाई और बच्चों पूरा लाइफ साइकिल उनके बेसमेंट में ही होता था पहले एग एग से कैटरपिलर कैटरपिलर से प्यूपा एंड देन एडल्ट बटरफ्लाई ये आपने साइंस में भी पढ़ा होगा देन है वो टैग द बटरफ्लाईज़ विंग्स एंड लेट दैम गो और जैसे ही वो पूरे एडल्ट बटरफ्लाई बन जाती बोन पर टैग लगा देता और उन्हें जाने देता फॉर सेवन ईयर्स हिस बेसमेंट वॉज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनाक्स इन डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बच्चों कई सालों के लिए उनके घर का तहखाना बेसमेंट घर रहा हजारों मोनाक तितलियों का अलग अलग स्टेज में कोई एग के रूप में कोई कैटापिलर कोई प्यूपा और कोई एडल्ट बटरफ्लाई ये देखिए बच्चों दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ द बटरफ्लाई एग स्टेज कैटापिलर स्टेज प्यूपा स्टेज एंड देन द ब्यूटिफुल एडल्ट बटरफ्लाई इवेंचुअली मीन्स फाइनली आई बिगन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज इट्स टी डी एस एंड देर नोट मच फीडबैक अब वो बच्चों एब्राइट कहते हैं कि फाइनली मेरा रुचि जो थी ना वो मैंने खो दी अपनी रुचि कि मैं बटरफ्लाइज के ऊपर टैग लगाऊँ क्योंकि ये टी डी एस वर्क था बोरिंग वर्क था टायरिंग वर्क था थका देने वाला था और ज़्यादा फीडबैक भी नहीं मिल रहा था रिस्पॉन्स भी नहीं मिल रहा था इन ऑल द टाइम आई डिड इट ही लाफ्ट Only two butterflies I had tagged were recaptured, and they were not more than 75 miles from where I lived. unhone bachon उन्होंने बच्चों हजारों upar के ऊपर tha lekin था लेकिन हंसते हुए hain कहते हैं केवल दो ही आज मिली ठीक है सिर्फ दो पकड़ी गई हैं और वो भी केवल पिचहत्तर माइल दूर उनके घर से तो ज़्यादा उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई देन In the seventh grade, he got a hint of what real science is when he entered a county science fair and lost. But when they were in the seventh class, they got a hint. क्लू मिल गया कि असला असली विज्ञान क्या होता है उन्होंने एक्चुअली पार्टिसिपेट किया था काउंटी साइंस फेयर साइंस विज्ञान मेले के अंदर और वो हार गए थे इट वॉज़ रियली अ सैड फीलिंग टू सिट सिद्ध एंड नॉट गेट एनी थिंग वाइल एवरीबडी एल्स हैड वन समथिंग वो कहते हैं बहुत ही बुरी फीलिंग थी जब सबको कोई ना कोई इनाम मिल रहा था और मुझे कुछ भी नहीं मिला था ए ब्राइट सेड हिज एंट्री वॉर स्लाइड्स ऑफ फ्रॉक टी शूज विच ही शॉर्ट अंडर अ माइक्रोस्कोप बच्चों उन्होंने उस समय जो तैयार किया था अपना प्रोजेक्ट वो था स्लाइड यानी कि पट्टिकाएं थी फ्रॉग मेंढक के टिश्यूज की तंतुओं की लेकिन वो उसको माइक्रोसॉफ्ट से दिखा रहे थे ही रिलाईज द विनर्स है ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले लेकिन जो जीतने वाले थे बच्चों उन्होंने असली में सच के एक्सपेरिमेंट करके दिखाए थे केवल एक डिस्प्ले नहीं किया था जैसे वो दिखा रहे थे केवल डिस्प्ले प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन जो जीतने वाले लोग थे विनर्स थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था असली प्रयोग किया था

आइडियाज़ मांगे कि मैं कैसे करूं तो बहुत सारे स्टैक में सेवरल आइडियाज सजेशंस उनको मिल गए एक्सपेरिमेंट के लिए दो स्केट एब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल एंड लेट टू प्राइज प्रोजेक्ट्स इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर्स पूरे हाई स्कूल में बच्चों वो उन प्रोजेक्ट्स के साथ बिजी रहे और उन्हें काउंटी में भी और अलग अलग इंटरनेशनल साइंस फेयर्स विज्ञान के मेलों में भी इनाम मिले फॉर हिस एट ग्रेड प्रोजेक्ट एब्राइट ट्राई टू फाइंड द कॉज ऑफ अ वायरल डिजीज दैट किल्स नियरली ऑल मोनाक कैटेपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स बच्चों जब वो आठवीं ग्रेड के अंदर थे तब एब्राइट ने देखा एक वायरल डिजीज़ थी वायरल तो तुम जानते ही हो जैसे कोरोना इस समय है वायरल डिजीज ठीक है डिजीज मींस बीमारी तो बीमारी जो ये थी, थी वो वो ना कैटरपिलर्स को जब वो कैटरपिलर की स्टेज में हो रहे थे ना तब उनको मार रहे थे एब्राइट थॉट द डिजीज माइट बी कैरिड बाय अ बीटल एब्राइट ने सोचा ये बीमारी शायद बीटल बीटल बच्चों एक तरह का इंसेक्ट है आई विल शो यू द पिक्चर गुबरेला जिसको कहते हैं ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स तो उन्होंने निश्चय किया कि देखते हैं क्या ये बीमारी सच में बीटल से ही फैलती है उन्होंने कैटरपिलर को पालन पोषण किया बीटल के साथ आई डिडेंट गेट एनी रियल रिजल्ट और उन्हें कोई भी रिजल्ट नहीं मिला बट आई वेंट अ हैड एंड श्योर दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट दिस टाइम आई वन लेकिन फिर भी वो मेले में अपने इस प्रोजेक्ट को लेकर गए और इस बार भी उन्होंने इनाम जीता क्योंकि उन्होंने किया था रियल एक्सपेरिमेंट ये देखिए बच्चों दिस इज बीटल इन हिंदी इट इज कॉल्ड गुबरेला इट इज अ काइंड ऑफ एन इंसेक्ट द नेक्स्ट ईयर हि साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थियोरी दैट वायसराय बटरफ्लाई इज़ कॉपी मोनाक्स तो बच्चों अगले साल उनके विज्ञान मेले का प्रोजेक्ट क्या था उनकी थ्योरी कि वायसराय बटरफ्लाई कॉपी करती है इमिटेट करती है नकल करती है मोनाक बटरफ्लाईज की ठीक है अभी मैं दोनों आपको दिखाऊँ भीगी आपको पता चलेगा कैसे द थ्योरी वॉज दैट वायसराय लुक लाइक मोनाक्स बिकॉज मोनाक्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स बच्चों जो वायसराय बटरफ्लाई जो होती है ना वो मोनाक की तरह दिखना चाहती है मोनाक की नकल करती है क्योंकि जो बर्ड्स होते हैं जो पक्षी होते हैं वो मोनाक बटरफ्लाईज़ को नहीं खाते क्योंकि उनका स्वाद अच्छा नहीं होता वो वायसराय को खाते हैं क्योंकि उनका स्वाद अच्छा होता है तो अपनी जिंदगी बचाने के लिए वो नकल करती हैं कॉपी करती हैं इमिटेट करती हैं मोनाक बटरफ्लाइज को कौन सी वायसराय वायसराय ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स सो द मोर दे लुक लाइक मोनाक द लेस लाइकली दे आर बिकम टू अ बर्ड्स इनर तो अगर वायसराय बटरफ्लाइज मोनाक की तरह दिखाई देंगी जो कि अच्छी नहीं है खाने में तो वो बच जाएंगी उनका जीवन बच जाएगा इसलिए वो कॉपी करती हैं मोनाक बटरफ्लाईज को एब्राइड्स प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर इनफेक्ट बर्ड्स वुड एट मोनाक्स अब एब्राइड का प्रोजेक्ट ये था कि क्या सच में बर्ड्स खाएंगे मोनाक बटरफ्लाईज को ही फाउंड दैट अ स्टालिंग वुट नोट इट ऑर्डनरी बर्ड फूड बच्चों स्टारिंग एक पक्षी है मैं आपको दिखाऊँगी वो साधारण बर्ड फूड नहीं खाता इट वुट इट ऑल द मोनाक्स इट कुड गेट वो केवल मोनाक बटरफ्लाइज को खाता है जितनी भी मिल जाए उतनी खा जाएगा एब्राइट से लेटर रिसर्च बाय अदर पीपल शॉर्ट दैट वाइसराय प्रोबेबली डू कॉपी द मोनाक और फिर एब्राइड की पूरी रिसर्च में आखिरकार ये बात निकल के आई कि वाई सराय बटरफ्लाइज शायद नकल करती हैं मोनाक बटरफ्लाइज़ का दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस फर्स्ट इन जुलोजी डिवीज़न इन द थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर बच्चों जुलोजी के डिवीज़न जीव विज्ञान के डिवीज़न के अंदर फर्स्ट प्राइज़ और पूरे काउंटी साइंस फेयर के लिए उन्हें इसके लिए थर्ड प्राइज़ मिला अब देखिए आप भी मोनाक बटरफ्लाइज एंड बायसराय दे आर लुकिंग लाइक सेम आर दे लग रहे ना सेम बस थोड़ा सा डिफरेंस है देखो बिल्कुल सेम है एंड दिस इज स्टार्लिंग बर्ड जो सारी मोनाक बटरफ्लाईज को खा जाता है जितने भी उसे मिले इन इज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट बिगन द रिसर्च दैट लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अनोन इंसेक्ट हॉर्मोन इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थियरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स बच्चों वो जब हाई स्कूल के सेकंड ईयर के अंदर थे तब रिचर्ड एब्राइट ने एक रिसर्च करनी शुरू की एक शोध करना शुरू किया डिस्कवरी उन्होंने की थी खोज की थी उन्होंने एक अननोन जिसको लोग जानते नहीं थे इंसेक्ट हार्मोन के बारे में हार्मोन ऑफ अ इंसेक्ट इनडायरेक्टली ये जो इंसेक्ट हार्मोन के बारे में वो शोध कर रहे थे उनको ले गया अपनी नई थ्योरी के लिए जो की थी लाइफ ऑफ सेल्स जहां से हमने हमारा चैप्टर शुरू किया था द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर वो सिंपल वॉज इट द पर्पज ऑफ दाइन गोल्ड स्पॉटा जो क्वेश्चन बच्चों वो आंसर करना चाह रहे थे वो सिंपल था कि एक मोनाक प्यूपा जो वो थर्ड स्टेज ना प्यूपा उसके ऊपर जब वो प्यूपा स्टेज में होती है बटरफ्लाई तो छोटे छोटे बारा गोल्ड कलर के सुनहरे रंग के स्पोर्ट्स धब्बे आ जाते हैं मैं आपको दिखाऊंगी कैसे वो क्यों आते हैं उनका क्या इंपॉर्टेंस है क्या पर्पज़ है एवरी वन द स्पोर्ट्स फॉर जस्ट ऑर्नामेंटल ए ब्राइट सेट बट डॉ अर्क हा डिडेंट बिलीव इट अब एब्राइट ने कहा सब लोग ये समझते थे वो केवल ऑर्नामेंटल है डेकोरेटिव है इससे बस वो सुंदर लगता होगा लेकिन डॉक्टर अखाट ने इस बात पर विश्वास नहीं किया शायद कोई ना कोई पर्पज़ है उन टाइनी गोल्ड डॉट्स का या स्पोर्ट्स का टू फाइंड द आंसर अब्राइट एंड अनर एक्सलेंट साइंस स्टूडेंट फर्स्ट हैड टू बिल्ड अ डिवाइस दैट शोड दट द स्पोर्ट्स फॉर प्रोड्यूसिंग अ हार्मो नेसेसरी फॉर बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट तो बच्चों उत्तर खोजने के लिए एब्राइट और उनके एक और एक्सीलेंट बहुत ही बढ़िया साइंस स्टूडेंट ने सबसे पहले एक डिवाइस बिल्ड किया एक डिवाइस बनाया जिसके ऊपर दिखाया गया था कि स्पोर्ट्स जो हैं वो डेकोरेटिव नहीं है ऑर्नामेंटल नहीं है उनसे एक बहुत ज़रूरी हार्मोन निकलता है जिसके द्वारा ही बटरफ्लाई का फुल डेवलपमेंट होता है अगर वो हार्मोन ना निकले तो वो जो प्यूपा है वो प्यूपा ही रह जाएगा बटरफ्लाई में तब्दील नहीं होगा अब देखिए बच्चों ये प्यूपा स्टेज के ऊपर आप देख पा रहे हैं कुछ डॉट्स गोल्डन कलर के दीज आर द टाइनी गोल्ड स्पोर्ट्स जिससे निकलता है एक हार्मोन जिसकी वजह से होता है बटरफ्लाई का फुल डेवलपमेंट दिस प्रोजेक्ट वन ए ब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर एंड एंट्री इंटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर बच्चों इस प्रोजेक्ट को पहला इनाम मिला काउंटी फेयर में और वो आगे के लिए चले गए इंटरनेशनल साइंस और इंजीनियरिंग फेयर के लिए मेले के लिए देर ही वन थर्ड प्लेस फॉर जुलॉजी जिसका इनाम मिला उन्हें जीव विज्ञान के क्षेत्र में ही ऑल्सो गोट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वर्ल्ट रीड आर्मे इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च और बच्चों उन्हें एक मौका भी मिला गर्मियों में एटमोलॉजी मतलब कीटों का अध्ययन करने वाला विज्ञान उस लैब के अंदर काम करने का और वो लैब कहा थी वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च के अंदर एज अ हाई स्कूल जूनियर रिचर्ड एब्राइट हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मोनाक प्यूपा दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस इन द इंटरनेशनल साइंस फेयर बच्चों हाई स्कूल में जब वो जूनियर में थे रिचर्ड एब्राइट ने कॉन्टिन्यू किया अपने एक्सपेरिमेंट को मोनाक प्यूपा के ऊपर और प्रोजेक्ट ने जीता पहला इनाम इंटरनेशनल साइंस फेयर के अंदर एंड गेव अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर और फिर से उन्हें अगली समर

कि सेल्स अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं और डेवलप विकास करते हैं एक नॉर्मल बटरफ्लाई के अंदर अगर वो अच्छे से उस हार्मोन को ले लें जो कि उन गोल्ड स्पोर्ट से निकलता है दैट प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस फॉर जुलोजी एट द इंटरनेशनल फेयर इस प्रोजेक्ट को बच्चों पहला इनाम मिला जुलोजी के क्षेत्र में इंटरनेशनल मेले के अंदर ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फिर उन्होंने बच्चों अगले समर भी काम किया उसी आर्मी लैब के अंदर और एक और लैब के अंदर जो कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर थी The following summer, after his freshman year at Harvard University, Abright went back to the laboratory of the Department of Agriculture and did some more work on the hormone from the gold sports. Using the laboratory's sophisticated instruments, he was able to identify the hormone's chemical structure. But cho, agle summer bhi, wo Harvard University Kinder fresh year or lab ke indar, Department of Agriculture ke lab hormone Gold Sports wale, aur सोफेस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स से बहुत बढ़िया मॉडर्न डिवाइसेस थे और उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर अ ईयर एंड अ हाफ लेटर ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर एब्राइट गोट द आइडिया फॉर हिज न्यू थियोरी अबाउट सेल लाइफ बच्चों एक डेढ़ साल के बाद उनके जूनियर ईयर में एब्राइट को एक आइडिया मिला उनकी नई थियोरी के बारे में सेल की लाइफ के बारे में It came while he was looking at X-ray photos of the chemical structure of a hormone. idea X-ray. फोटो को देख रहे थे केमिकल स्ट्रक्चर के उसी हार्मोन के बेन ही सॉ एब्राइट शा शाउट यूरिका और इवन आई हैव गॉट इट बट ही बिलीव दैट अलॉन्ग फाइंडिंग्स अबाउट इंसेक्ट हार्मोन्स द फोटोज गेव हिम द आंसर टू द वन ऑफ द बायोलॉजीज पजल्स हाउ द सेल कैन रीड द ब्लू प्रिंट ऑफ इट्स डी एन ए बच्चों फोटो को देखते हुए उन्हें कुछ मिल गया था ना ही वो यूरेका चिल्लाए ना ही उन्होंने कहा आई हैव गॉट इट मुझे मिल गया बल्कि उनकी फाइंडिंग्स जो थी इंसेक्ट हार्मोन के बारे में फोटोज ने उन्हें ये क्लू दिया उन्होंने एक्चुअली बायोलॉजी का बहुत बड़ा पजल बहुत बड़े कन्फ्यूजन को सॉल्व कर लिया था कि सेल कैसे पढ़ पाते हैं ब्लू को बेसिस को ढांचे को डीएनए के डीएनए इज अ सबस्टांस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल्स हेरिटी बच्चों डीएनए वो सब्सटेंस होता है वो पदार्थ होता है एक न्यूक्लियस के अंदर सेल के न्यूक्लियस के अंदर यानी कि सेल के सेंटर पार्ट के अंदर जो कि कंट्रोल करता है हेरिडिटी को वंशानुक्रम को यानी कि कमिंग फ्रॉम फोर फादर्स इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल और इससे निश्चय मिलता है कि सेल का क्या फंक्शन है और क्या फॉर्म है दस डीएनए इज अ ब्लू प्रिंट फॉर लाइफ और इसलिए डीएनए ब्लू प्रिंट है बेसिस है हमारी जिंदगी के लिए ए ब्राइट एन इज कॉलेज रूममेट जेम्स आर वोंग

कैसे हुआ टुगेदर द लेटर ऑड द पेपर और बाद में उन्होंने वो ले, वो लेट पेपर भी लिखा जिसमें सारी थ्योरी की एक्सप्लेनेशन की गई है सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाइएस्ट ऑनर्स बच्चों नो वन हु न्यू हिम कोई नहीं जानता था वो कौन है रिचर्ड एब्राइट ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली हाइएस्ट ऑनर से बहुत अच्छे उनके मार्क्स आए थे सेकेंड इन इज क्लास वो अपनी क्लास में सेकेंड थे इन वन फाइव वन जीरो पंद्रह सौ दस स्टूडेंट्स के अंदर सेकेंड पोजिशन पे थे ए ब्राइट वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और बच्चों फिर वो स्टूडेंट बन गए एक रिसर्चर बन गए हारवर्ड मेडिकल स्कूल के देर हे बिगिन डूइंग एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हिस् थी और वहाँ पर उन्होंने अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए If the theory proves correct, it will be a big step towards understanding the processes of life. अगर ये theory सच निकलती है सही निकलती है तो हमारे जो प्रोसेस है लाइफ की उसको जानने के लिए समझने के लिए एक नया कदम होगा It might also lead to new ideas for preventing some types of कैंसर cancer. cancer की रोकथाम के लिए और बहुत सारी और diseases की रोकथाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली थी ये थियरी ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी और ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हुआ क्योंकि एब्राइट के अंदर थी साइंटिफिक वैज्ञानिक क्यूरियोसिटी जानने की इच्छा जिज्ञासा हिज हाई स्कूल रिसर्च इन टू द पर्पज ऑफ द स्पोर्ट्स ऑन अ मनाक प्यूपा इवेंचुअली लेट हिम टू हिज थ्योरी अबाउट सेल लाइफ तो वो प्यूपा के ऊपर गोल्ड स्पोर्ट क्यों होते हैं ये जो फैक्ट था वो फाइनली उन्हें ले आया उनकी थ्योरी के ऊपर जो थी सेल लाइफ के बारे में कोशिका जीवन के बारे में रिचर्ड एब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट began collecting कलेक्टिंग बटरफ्लाइज बच्चों साइंस में उनकी सबसे रुचि थी जब से उन्होंने बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना शुरू किया बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज़ एन टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट लेकिन इतना ही नहीं केवल वो वैज्ञानिक नहीं नहीं थे बटरफ्लाइज कलेक्ट करना उनकी ओनली इंटरेस्ट नहीं था बल्कि बहुत सारे इंटरेस्ट थे उनके पास एब्राइट ऑल्सो बिकेम अ चैम्पियन डिबेटर वाद विवाद में बच्चों में चैम्पियन थे पब्लिक स्पीकर बहुत अच्छा भाषण देते थे एंड अ गुड कनोइस्ट कनोइस्ट होती कनु होती है बच्चों एक स्मॉल बोट उसको बहुत अच्छे से चला सकते थे वो बहुत बढ़िया सेलर थे उसके एंड ऑल राउंडर आउटडोर्स पर्सन और वो ऑल राउंडर थे बच्चों उनमें ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ हेड एंड हार्ट थी ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर बहुत बढ़िया फ़ोटो भी खींचते थे पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स आमतौर पर वो नेचर की फोटो खींचते थे और साइंस के जो डिस्प्लेज होते थे प्रदर्शनियां होती थी उनके इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वॉज अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी ही टर्न अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टुवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइट नेशन क्लब्स बच्चों हाई स्कूल के अंदर बहुत ही सीधे साधे से स्टूडेंट थे इंटेलिजेंट तो वो हमेशा से रहे थे और उन्होंने अपनी एनर्जी लगाई थी डिबेट करने में मॉडल यूनाइट नेशन्स क्लब के अंदर ही ऑल्सो फाउंड सम्मन टू एडमायर वहाँ पर बच्चों उन्हें एक और एडमायर प्रशंसक मिल गया जिसका नाम था रिचर्ड ए बा सोशल स्टडीज़ टीचर वो उनके सामाजिक विज्ञान के टीचर थे एंड एडवाइजर उन्हें सलाहकार भी कह सकते हो आप टू बोथ क्लब्स मिस्टर वे हेरर वॉज अ परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन और रिचर्ड एब्राइड कहते हैं मिस्टर वाई हेरर उनके लिए परफेक्ट पर्सन थे उन्होंने ओपन किया उनके माइंड को नए आइडियाज़ के लिए रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट मिस्टर वाई हेरर सेट और उनके टीचर ने भी कहा रिचर्ड हमेशा से ही एक्स्ट्रा एक्पर्ट लगाते थे वो प्लीज मी वॉज ही दिस पर्सन हु पुट इन थ्री और फोर आवर्स एंड नाइट डूइंग डूइंग डिबेट रिसर्च रिसर्च बिसाइड्स ऑल हिज विद बटरफ्लाइज एंड अदर इंटरेस्ट बच्चों वो रात को ना केवल समय लगाते थे अपनी रिसर्च करने में बटरफ्लाइज के बारे में और अदर इंटरेस्ट में बल्कि तीन चार घंटे लगाते थे डिबेट के बारे में शोध करने के लिए भी ये देखिए बच्चों रिचर्ड ए बाईर उनके सोशल साइंस के टीचर एंड ऑल्सो हिज एडमायर एंड एडवाइजर रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव प्रतियोगिता की भावना रिचर्ड में बहुत ज्यादा थी मिस्टर वाई हेर कॉन्टीन्यूड बट नोट इन अ बैड सेंस लेकिन नेगेटिव सेंस में प्रतियोगिता की भावना नहीं थी रिचर्ड वॉज इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक और विनिंग टू गेट अ प्राइज राधर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड वो केवल जीतने के लिए इनाम लेने के लिए नहीं प्रतियोगिता में भाग लेते थे बल्कि अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स के लिए वो प्रतियोगिता में भाग लेते थे क्योंकि वो बनना चाहते थे द बेस्ट फॉर द राइट रीजन ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट एंड दैट इज वन ऑफ द इनग्रीडियंट्स इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट और ये है बच्चों एक इनग्रीडियंट एक कंटेंट इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट अब देखिए वो कंटेंट मैं बताने जा रही हूँ स्टार्ट विदर्स्ट स्टेट माइंड नंबर एक का दिमाग

आप याद करेंट माइंडी दिल टू विन फॉर द राइट रीजन एंड इज द बुक दैट चेंज द लाइफ ऑफ आर फेमस साइंटिस्ट रिचर्ड एच एब्राइट एंडम ऑफ द बुक इज द ट्रेवल्स ऑफ मोनाक एक्स सो स्टूडेंट्स आई होप यू है चैप्टर कंप्लीटली एंड यू हैव लाइक इट ऑल्सो So thank you so much for watching this presentation was made by Pooja Sharma lecturer in English Government Senior Secondary School Parnala Block Bahadurgarh and District Chajar. thank you so much for watching take care i will see you in next video